हाय गाइस, दिस इज़ प्रतिका बैक अगेन। और मैं आपको अब आगे बताने वाली हूँ मिलेनियम डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, SIP डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड FIP डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला, सबसे पहला डेवलपमेंट गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये सरकार ने कब बनाया, क्यों बनाया और क्यों फॉलो करना है, इसका मेन मोटिव क्या है और इसके अंदर क्या गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, देखिए ये कब आया था, ये सितंबर 2000 में आया था। ठीक है, एक मिलेनियम समिट हुई थी, यानी कि गैदरिंग हुई थी जिसमें देश के, दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, स्ट्रांग लीडर्स हैं, वो सारे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और इट क्या है कि देखिए 2000 सितंबर एट मिलेनियम समिट, एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन द हिस्ट्री, जितने हिस्ट्री के जितने भी उस समय के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सारे इकट्ठा हुए थे और उन्होंने क्या अडेप्ट किया था, एक गोल अडेप्ट किया था, क्या किया था, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन लिखा गया था जिसमें कुछ टारगेट्स लिखे गए थे कि हमें वो अचीव करने हैं और वो टारगेट क्या अचीव करने हैं। बेसिकली देयर गोल वॉज टू रिड्यूस पॉवर्टी ग्लोबली बाय 2015, यानी कि 2015 तक सारे देशों ने मिल के ये एक डिसीजन लिया था, एक डिक्लेरेशन साइन किया था मिलेनियम समिट में 2000 सितंबर 2000 में कि दुनिया से हम गरीबी का नामो निशान मिटाएंगे और उसके लिए हम कुछ टारगेट अचीव करेंगे। और टारगेटली हम कुछ गोल्स थे जिन्हें लिखे गए थे, कुल मिला के 8 गोल्स लिखे गए थे जिनको फॉलो करते हुए हमें गरीबी को, पॉवर्टी को मिटाना है। ठीक है, और इन्हीं गोल्स को हम क्या कहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि 2005 तक जो हैं हमें फॉलो करने थे और 2015 तक हमें पूरी तरीके से पॉवर्टी को हटा देना था। और एक बार इसे बीच में रिवाइज़ किया गया था, जो कि 2007 में रिवाइज़ किया गया था, जिसमें इसमें 4 गोल्स ऐड किए गए थे, यानी 4 ऑलरेडी गोल्स हमने टारगेट किए थे और इसमें बाद में 4 गोल और ऐड किए गए थे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि वो गोल्स हैं क्या। ठीक है, तो पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि गरीबी को, जो एकदम बहुत ही गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है, खाने पीने की एकदम जो है मतलब दिक्कत है और भुखमरी है, वहाँ पर हमें पॉवर्टी को घटाना है। तो सबसे पहला गोल था कि 1990 से लेकर 2015 के अंदर जितने भी लोग जिनकी इनकम $1 से कम है, $1 यानी कि 70 रुपये, या अभी जो करंट रेट चल रहा है US डॉलर का, उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग जिनकी एक दिन की तनख्वाह $1 से कम है, उनकी संख्या हमें आधी करनी है। यानी कि अगर हम 100 लोग हैं और 100 लोगों में अगर 100 लोगों की संख्या है जिसमें सबकी इनकम 75 रुपये एक दिन का है, यानी कि $1 एक दिन का है, 70 से 75 एक दिन का कमा रहे हैं, तो उतने लोगों की संख्या में आधी करनी, यानी कि 50 लोगों की संख्या हमें कम करनी है, यानी कि 50 लोगों को हमें ऊपर उठाना है, बढ़ाना है, सत्तर रुपये या $1 से इनकी तनख्वाह ऊपर बढ़ानी है, तभी जो है ये भुखमरी से और गरीबी से ऊपर उठेंगे। ठीक है, दूसरा गोल था इसी में इरेडिकेट पॉवर्टी में कि औरतों को भी इम्प्लॉयमेंट देना है, उनके अकॉर्डिंग जो वो काम कर सकती हैं, औरतों को भी ऊपर बढ़ाना है और औरतें भी अपने परिवार में योगदान दे पाएं। ठीक है, तीसरा जो है इसमें, तीसरा गोल था इरेडिकेट पॉवर्टी में कि जो भुखमरी से मर रहे हैं लोग हैं, यानी कि भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने पीने के लिए नहीं है और बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, उनकी संख्या भी हमें 1990 से 2015 के बीच में आधी कर देनी है। यानी कि हम सरकार जो है अब लोगों को सुविधाएं, एड प्रोवाइड करेगी और भुखमरी कम करने में मदद करेगी। सिर्फ एक देश की सरकार नहीं, सारे देश मिल के, जो भी देश गरीब है, कमज़ोर है, वो उसको मदद करेगा अपनी अपनी तरफ से। ठीक है, दूसरा है गाइस अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हमें सबको पहुँचानी है, लड़का हो लड़की हो, किसी भी एज का हो, हमें लड़का हो लड़की हो, हमें प्राथमिक शिक्षा जो होती है, प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक विद्यालय जो खोले गए थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, प्राथमिक शिक्षाएं खोली गई थी, आपको वो चीज़ सब तक पहुंचानी है, क्योंकि जब एजुकेट होंगे तो समाज की चीज़ें और सबको समझेंगे
और एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें क्या करना था, हमें ये भी 2015 तक अचीव करना है, ठीक है। गोल 2015 तक अचीव करने का है गाइस, ठीक है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, औरतों को सशक्त बनाना है, औरतों को रोजगार देना है, औरतों को पढ़ाना है। जेंडर इक्वालिटी यानी कि सिर्फ शिक्षा लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी मिलेगी। और ये आपको 2090 ये आपको 2005 तक अचीव करना है कि लड़का और लड़की जो है प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा पाएं, और उसके बाद 2015 तक हर क्षेत्र में औरतों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। यानी कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक क्षेत्र ही नहीं रहे, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, हर जगह औरतें जो हैं अपना योगदान दे पाएँ और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाएँ और दुनिया में नाम करें। तो प्राइमरी एजुकेशन 2005 तक का गोल था कि 2005 तक ये अचीव कर लेना है कि लड़का लड़की सब पढ़ेंगे, और 2015 तक औरतें हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगी। ये है जेंडर इक्वालिटी, क्या है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टैलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टैलिटी यानी कि जो एक से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका मृत्यु दर हमें कम करना है, कितना, 2/3 करना है। यानी कि 3 में से जो 2 हिस्सा है वो उतना हमें लाना है कि इतना हिस्सा जो है अब 1 से 5 साल के बीच में इनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमें 2015 तक अचीव करना है कि जो 1 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं इनका मृत्यु दर हमें 2/3 तक लाना है, ठीक है। ये हो गए आपके 4 गोल। हाँ, 5वां है गाइस, इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ। मेटरनल हेल्थ यानी कि वो औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं और जो बच्चा गर्भ धारण कर सकती हैं, और जो उनको सरकार जो है मुफ्त सुविधाएं पहुंचाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो होता है यानी कि बच्चा पैदा करते समय औरतों की जो मृत्यु हो जाती है वो हमें 3/4 तक लानी है, ठीक है। यानी 4 में से 3 हिस्सा जो औरतें हैं उन्हें हमें बचाना है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हैं और सेफ डिलीवरी करानी है, बच्चा और जच्चा दोनों की सेहत पर ध्यान देना है। क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज वाली औरतें होती हैं और जो बच्चे होते हैं, जब वही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आगे आने वाली जनसंख्या स्वस्थ कैसे रहेगी। तो हमें माँ और बच्चे की देखभाल करनी है और उन्हें स्वस्थ बनाना है। तो ये है आपका मेटरनल मॉर्टेलिटी हेल्थ, इम्प्रूव करना है हमें से। कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। कॉम्बैट यानी कि हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है, लड़ना है, इनको जड़ से मिटाना है। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इसमें HIV एड्स को हमें क्या करना है कि 2015 तक इस पर एकदम रोक लगा देनी है, फुल स्टॉप लगा देना है कि ये स्प्रेड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और 2010 तक हमें कोशिश करनी है कि HIV एड्स का जो इलाज है वो सब तक पहुँचे, ठीक है। और जो मलेरिया जैसी जो बीमारी है, मलेरिया, डेंगू, एपिलेप्सी, ये लेप्रसी, ऐसी बीमारियों पर हमें 2015 तक काबू पाना है। और एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गई, रुकिए गाइस। हाँ, ये जो है आपको ये 3 गोल अचीव करने हैं, सॉरी मैं भूल गई, ठीक है। ये 3 गोल आपको अचीव करने हैं इसमें, ठीक है। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एनवायरमेंट यानी कि 2015 तक हमें क्या करना है, एक ऐसा डेवलपमेंट गोल तैयार करना है जिससे कि जो एक, क्योंकि हम लोग देखिए यूनिवर्स में हम क्या कर रहे हैं, हम धरती पे क्या कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग यूज़ कर रहे हैं, मिनरल ओर्स को खाली कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जितनी तेज़ी से हम इसे निचोड़ रहे हैं अपने यूज़ के लिए उतनी तेज़ी से रिकवर नहीं हो रही हैं। और जब ऐसा हम करते हैं तो बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। कैसे, अगर आप कहीं का मिनरल या कहीं का रिसोर्स यूज़ करेंगे तो आप उसकी जो जड़ें होती हैं जड़ों को कच्चा कर देते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल्स जिनके बेसिस पर जो प्लांट और जो प्लांट वगैरह जो ग्रीनरी है सस्टेन कर रही है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाती है।
और जब फॉरेस्ट और ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी जो होते हैं उन्हें मूव करना पड़ता है या तो अडैप्ट करना। अडैप्ट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मूव कर जाएंगे, अडैप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं, जिसे हमें रिकवर करना है 2015 तक एंड 2010 तक हमें कहीं ना कहीं इसे कम करना है और रिवर्स करना है। और 2015 तक जो लोग हैं जिनको सस्टेनेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनकी संख्या को हमें कम से कम पूरा नहीं तो आधा करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। और लास्ट अब आपका बचता है डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट का मतलब होता है, इसका एक बेसिक है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि एक दूसरे के साथ जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये गोल बनाया था कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो सारे लोग मिलके काम करेंगे, सारे लोग एक दूसरे की देश की मदद करेंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी डिज़ीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि पावर प्लांट्स को रिड्यूस बनाने के लिए, एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। तो अगर किसी स्टेट के पास, किसी देश के पास अगर ये चीज़ आई है तो हम दूसरे देश की मदद करेंगे। अगर दूसरा देश गरीबी से जूझ रहा है तो हम फाइनेंशियल उसे एड पहुँचाएँगे। और अगर कहीं सुनामी आई है, अर्थक्वेक आया है और जान माल का खतरा हुआ है, मतलब हमें लॉस हुआ है, तो हम अपनी तरफ से ग्लोबली उस कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए, उसे फिर से डेवलप करने के लिए हम एड पहुंचाएंगे, मदद करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करनी है। हालांकि ये 4-5 पॉइंट्स में है लेकिन मैं आपको बेसिक बात बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं और इतना ही आप लिख देंगे आपको सफिशिएंटली मार्क्स मिल जाएंगे और इसके ऊपर आपका नोट्स आ सकता है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट या राइट अ लॉन्ग नोट आ सकता है।